दोस्तों, आपने आमतौर पर सड़कों के गड्ढों में आम आदमी की गाड़ी को फंसते हुए गिरते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन अब उन्हीं सड़कों के गड्ढे में अगर आप देश के केंद्र मंत्री को देख लें कि उनकी गाड़ी फंस गई है और उस फंसने के चक्कर में मंत्री जी को गाड़ी से बाहर भी निकलना पड़ा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की, जिनकी गाड़ी सड़क के गड्ढे में फंस गई और बस फिर क्या था, लोगों ने नितिन गडकरी को लपेट दिया। आखिर कहां पर फंस गई शिवराज सिंह चौहान की गाड़ी और नितिन गडकरी को क्यों लोगों ने लपेट दिया, बताते हैं आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, इस समय शिवराज सिंह चौहान को झारखंड का चुनावी प्रभारी बनाया गया है, जिसके चलते शिवराज सिंह चौहान झारखंड में आए दिन सभाएं कर रहे हैं। तो ऐसे ही वो झारखंड के बहरा गोड़ा में सभा के लिए पहुंचे थे और वहां से लौट रहे थे। लौटते समय शिवराज सिंह चौहान को भी नहीं पता होगा कि जिस सड़क पर वो चल रहे हैं, जिस नेशनल हाईवे पर वो चल रहे हैं, वहां पर उनकी गाड़ी फंस जाएगी और ऐसी फंस जाएगी सड़क के गड्ढे में कि शिवराज सिंह चौहान को वहां से निकलना पड़ेगा, गाड़ी से उतरना पड़ेगा, उसके बाद ही शिवराज सिंह चौहान आगे जा पाएंगे। अब इसमें नितिन गडकरी को लपेटने की बात क्यों आ रही है, क्योंकि झारखंड की जिस सड़क पर, जिस नेशनल हाईवे पर चल रहे थे शिवराज सिंह चौहान, वो केंद्र सरकार के अधीन आता है और जिस मंत्रालय में आता है वो है नितिन गडकरी जी का। और नितिन गडकरी सार्वजनिक मंचों पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं हम ऐसा हाईवे बना रहे हैं, हजार लाख करोड़ से नीचे की बात नहीं करते, स्पेस टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी ला रहे हैं कि सड़क बस दुरुस्त हो जाएगी, शानदार, अमेरिका तक उसकी तारीफ होगी। लेकिन हकीकत क्या है कि हल्की सी बारिश में सड़क अपना जवाब दे देती है, उसमें गाड़ियां फंस जाती हैं। कायदे से नितिन गडकरी को इस पर जवाब देना चाहिए, मोदी जी को भी जवाब देना चाहिए। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार जरूर है, लेकिन ये नेशनल हाईवे है और 10 साल से किसकी सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। तो क्या इस नेशनल हाईवे पर कोई काम नहीं हुआ, नितिन गडकरी जी ने कोई काम नहीं किया, या फिर काम किया तो है लेकिन इतना खराब और खराब क्वालिटी का किया है कि उसकी असलियत शिवराज सिंह चौहान के काफिले की गाड़ी ने बता दी, जिसमें स्वयं शिवराज सिंह चौहान बैठे हैं। अब इसको सुनकर के कई लोग ये कहेंगे कि शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सड़कों की हालत उनके रहते हुई वीडियो वायरल होते थे, आज शिवराज सिंह चौहान खुद भुक्तभोगी हो गए, उनकी गाड़ी फंस गई तो उन्हें क्या मध्य प्रदेश की याद आई होगी दोस्तों, जब शिवराज सिंह चौहान की गाड़ी फंसी, कि हाँ मैं जब मुख्यमंत्री था तब भी इस तरीके के वीडियो वायरल होते थे, मेरे साथ क्या हो गया, मैं खुद ही वायरल हो गया। दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या इस वीडियो वायरल होने के बाद नितिन गडकरी अपनी खामियों को दूर कर पाएंगे, अच्छे हाईवे बना पाएंगे, बिना गड्ढों वाली सड़कें दे पाएंगे, या फिर कुछ नहीं होगा, नितिन गडकरी बारिश बंद होने का इंतजार करेंगे जिससे लोग गड्ढों में न गिरे बारिश के चलते, जैसे शिवराज सिंह चौहान की गाड़ी फंसी? और क्या लगता है कि झारखंड में भले शिवराज सिंह चौहान प्रचार कर लें, लेकिन झारखंड के चुनाव में उनकी गाड़ी फंस जाएगी? दोस्तों, आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए, इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन से भी सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।